बीकॉम पार्ट टू से ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर एमलगेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का आपका जो एकीकरण कैसे होता है उसका सवाल है, उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए आपका जो एमलगेशन है, हम पहले एमलगेशन के बारे में बता दें एकीकरण क्या होता है। ये जब दो या दो से अधिक कंपनी समाप्त होकर के एक नई कंपनी का निर्माण होता है तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्रिया आपको क्या कहलाता है, एमलगेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। आइए एकीकरण में आप देखेंगे इसमें दो नेचर होता है, एक आपका आपका नेचर ऑफ मर्जर होता है और एक नेचर जो आपका होता है ये आपका परचेज का होता है। एन ए यू आर ई नेचर ऑफ आपका होता है परचेज, यू आर सी एच ए एस ई नेचर ऑफ परचेज। ये आपका जो अभी जो बना हुआ सवाल है नेचर ऑफ मर्जर से है, इसलिए दो कंपनी क्या होती है आपको मर्ज कर जाती है, मर्ज कर जाती है। आप देखिए इसमें दो कंपनी मर्ज कैसे होती है, इसमें दो कंपनी आपका है, इसमें आपका जो कंपनी है आप देखेंगे कि एस लिमिटेड है, ये आपका एस लिमिटेड है और इसके बाद आपका के लिमिटेड है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, के लिमिटेड है, ये दोनों कंपनी जो होता है मिल करके एक नई कंपनी का निर्माण करती है जिस कंपनी का नाम है एस के लिमिटेड। एस के लिमिटेड ये कंपनी का निर्माण करती है। आइए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंपनी आपको मर्ज होकर के कंपनी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका नाम है एकीकरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमलगेमेशन। ये एमलगेमेट हो जाता है, एस और के जो लिमिटेड कंपनी है वह एमलगेमेट होकर के एक नई कंपनी एस के लिमिटेड का क्या करती है, निर्माण करती है। आइए इसी से रिलेटेड आपका लिटरेशन नंबर आपका जो 10 है वो 10 पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं। उससे पहले और थोड़ा सा बात करते हैं, ये दोनों कंपनी है, ये दोनों कंपनी जो है एस और के लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, एस लिमिटेड और के लिमिटेड, ये आपका ट्रांसफर कंपनी होता है, टी आर ए आर ट्रांसफर, एफ ओ आर ट्रांसफरर आपका क्या होता है, एफ ओ आर ट्रांसफरर कंपनी होता है, ये आपका ट्रांसफरर कंपनी होता है और ये आपका ट्रांसफरी कंपनी होता है, टी आर ए आर ट्रांसफरी, एफ आर डबल ई ट्रांसफरी कंपनी होता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, हस्तांतरक कंपनी, इसका नाम है हस्तांतरी कंपनी, या हस्तांतरक कंपनी हो गया, यो क्या हस्तांतरी कंपनी हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं जो आपका जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर जो आपका जो इलेक्ट्रेशन नंबर है ये आपका जो 10 है इस पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है कि ये दो कंपनी जो समाप्त होती है वो दो कंपनी के जितनी भी संपत्ति होती है और क्या होती है इसकी लायबिलिटी होती है, जैसे शेयर कैपिटल हुआ, उसके बाद प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हुआ, उसके बाद डिवेंचर हुआ, एनीवेडी आपका जो भी लायबिलिटी होती है ये सारे लायबिलिटी को क्या करती है, आपका जो एस के लिमिटेड है जो ट्रांसफरिंग कंपनी है उसको क्या करती है, खरीद लेती है, वो नगद में खरीद लेती है, उसको पुनः इसका पैसा देता है, जैसे क्रेडिटर है उसका क्रेडिटर को या करंट लायबिलिटीज को ये टोटल को नगद में क्या करती है, भुगतान करती है। इसलिए उसके पहले आपको निकालना पड़ता है मैंने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ये जो परचेज कंसीडरेशन है उसी को हम लोग कहते हैं क्रय प्रतिफल। वो क्या होता है, क्रय के बदले में जो नगद में भुगतान किया जाता है उसी का नाम होता है क्या, परचेज कंसीडरेशन। आइए इसको हम लोग निकालते हैं, यह टोटल एसेट्स एस लिमिटेड का दिया है 13 लाख, कितना दिया 5,000, और के लिमिटेड का है 15 लाख, दिया कितना 20,000। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं, करंट लायबिलिटी का पेमेंट हो रही है, जो करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ कितना 4 लाख और इसका दिया 5 लाख, कितना 50,000। ये दोनों को हम लोग डिवेंचर और इसका जो ट्रेड पेबल है दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या घटा दिए है, यह परचेज कंसीडरेशन निकल गया 9 लाख, कितना 5,000, और इसका के लिमिटेड का निकल गया 9 लाख, कितना निकलेगा 70,000। ये परचेज कंसीडरेशन निकल गया, जब हम लोग का परचेज कंसीडर निकल जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या बनाए, जर्नल एंट्री। आप देखिए यहाँ आइए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस के लिमिटेड, यही दोनों कंपनी जो है मर्ज होकर के, यही दोनों कंपनी जो समाप्त होकर के नया कंपनी का जो निर्माण किया है एक कंपनी है, ठीक है। इसके लिए परफॉर्म बनाएंगे, डेट है, पार्टिकुलर्स है, लेजर ऑफ फोलियो है, डीआर अमाउंट है, सीआर अमाउंट है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एंट्री बनाते हैं। तो पहला एंट्री बनता है किसका, मर्ज करते हैं हम लोग इसका, जैसे बिजनेस मर्जर अकाउंट या टू लिक्विडेशन ऑफ एस लिमिटेड,
अब उसके बाद टू है लिक्विडेशन ऑफ के लिमिटेड, आप जब ये लिमिटेड लिखा रहेगा तो उसमें हम एक कॉट नहीं लगाते हैं। तो यह दिया है 9 लाख कितना 5,000, यह दिया 9,70,000, यह टोटल हो गया 18 लाख कितना का 75,000। आइए हम लोग एसेट्स का एंट्री बनाते हैं, जो एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए सन्डरी एसेट्स अकाउंट दिया, इसमें दोनों एसेट्स को आपको जोड़ना है, जोड़ना है इसका, इसमें एस लिमिटेड का एसेट होगा और के लिमिटेड का एसेट होगा, दोनों को जोड़ करके आता है कितना 16 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दोनों का जोड़ना है, माने आपका एस लिमिटेड का और के लिमिटेड का, 1,60,000। इन्वेंटरी दिया कितना 4 लाख, उसका ट्रेड रिसीवेबल दिया कितना 5 लाख कितना 80,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपका दिया कितना 85,000। उसके बाद ये जनरल जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये जनरल रिजल्ट को आपको अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें बैलेंस निकलता है, इसीलिए उसको अभी नहीं कुछ करना है। उसके बाद टू में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, माने अलाउड अकाउंट आपका दिया कितना 60,000, माने एक्सपोर्ट प्रॉफिट अकाउंट कितना दिया 15,000। जो नया कंपनी का निर्माण होती है ये सारे चीज को आप ले रहे हैं, देख रहे प्रॉफिट को भी ले रहे हैं, और उसके बाद आपको 12% डिवेंचर है वह 7 लाख है इसको ले रहे हैं। क्रेडिट पेबल आपका दिया 2,50,000, विदेश मार्जर जो यही दिया है उसको लिखेगा 18 लाख कितना 75,000। इसमें आप देखेंगे क्या चीज ध्यान देना है, इसमें देखेंगे क्या, इसको जोड़ने के बाद ये आपका सीआरसीआर ज्यादा आता है डीआरसीआर कम आता है, दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे यही आपका जो 75,000 रुपया जो हो जाता है, यही 75,000 रुपया आपका जनरल रिजर्व जो आपको माइनस करके ये आता है, ठीक है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल में जो विदेश मर्जर है उसको शेयर कैपिटल में इसको क्या करना है ट्रांसफर करना है। इसके लिए क्या एंट्री बनाते हैं, याद ध्यान दीजिए, लिक्विडेशन ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट दिया, उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ के लिमिटेड अकाउंट दिया, आठवीं है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही कितना है 9,05,000, 9,70,000, उसका 18 लाख कितना 75,000 रुपया, इसको शेयर कैपिटल में लोग क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए। ये जनरल बनकर आपका क्या रेडी है, वो आपका क्या हुआ तैयार हो गया। अब आइए हम लोग बैलेंस शीट पर आते हैं, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ एसके लिमिटेड एज ऑन मार्च कितना 31/2 कितना दिया 16 दिया है। इसमें हम लोग बनाएंगे पार्टिकुलर होगा, उसके बाद नोट नंबर हो गया, उसके बाद आपका देखिए ये शेयर इसको जो लिखेंगे तो टोटल कैपिटल में ही लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स है, उसके बाद अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आपका दिया है 18,75,000 जो जनरल में आपका है कितना 18,75,000 रुपया। उसके बाद आपका देखिए डिवेंचर कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, डिवेंचर जब ये लिखेंगे तो एस लिमिटेड का अलग डिवेंचर होगा और के लिमिटेड का अलग डिवेंचर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 7 लाख आ गया। ट्रेड पेबल में भी दोनों को जोड़ेंगे, माने एस लिमिटेड के भी माने क्या कहते हैं ट्रेड पेबल को जोड़ेंगे और आपका जो के लिमिटेड है उसको भी जोड़ेंगे, तो ये आ गया 2 लाख कितना का 50,000 रुपया आ गया। इसी को जोड़ेंगे तो 28 लाख कितना का 25,000 रुपया आ गया, ये लाइबिलिटी का टोटल हो गया। अच्छा आइए एसेट्स पे लोग करते हैं, एसेट्स साइड में आपका जो सन्डरी एसेट्स है वो आपको आ गया है 16 लाख। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एस लिमिटेड और आपका जो के लिमिटेड है दोनों एसेट्स को आपको क्या करना है जोड़ना है, जो 16 लाख आया उसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी जो है दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ करके आएगा 1 लाख कितना 60,000 गया। इन्वेंटरी है ये भी आपका 4 लाख है, तो दोनों को एस लिमिटेड और क्या करते हैं के लिमिटेड दोनों मार्केट में लिमिटेड को आपको जोड़ करके जितना आता है ये 4 लाख आ गया वो लिखना है आपको। उसका ट्रेड डिसेबल है, ये ट्रेड डिसेबल आपका कितना है 5 लाख कितना दिया 80,000 दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का आपका जोड़ रहा है तो आ गया कितना इसका गया 85,000 रुपया इसका आ गया। अब दोनों के इसको हम जोड़ दिए तो 28 लाख कितना का 25,000, 28 लाख कितना 25,000, देखिए ये आपका लाइब्रेरी में हमारे 28 लाख 25,000 आ गया और एसेट्स में भी 28 लाख कितना 25,000 रुपया आ गया। दैट्स ऑल।